बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन पर और इसके प्रोसेस के ऊपर कि कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं नंबर वन पे, और वो ये प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अपना CRS स्कोर। बेसिकली जो CRS है, इसका फुल एब्रिविएशन बनता है कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसमें हमें अपने डाटा फिल करना है, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, थोड़ी सी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी इसके अंदर, फंड्स, और इसके अलावा हमें सारी अपने और अपने पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर शेयर करनी है। तो उसके एंड पे जब हम उसको सबमिशन करेंगे तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्कोर मिल जाएगा। वो स्कोर क्या मिलेगा कि अराउंड सपोज एक बंदा अच्छे सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो फिलफिल करते हैं, मैच करते हैं सब उन रिक्वायरमेंट के साथ, तो वो होगा ये कि टोटल पे उसको स्कोर दे देगा 400, 450, 470, वट एवर जो भी स्कोर आएगा उसके ऊपर एनालिसिस करके हम आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो हमारे स्कोर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करे हुए तो वो हमें कहेंगे वेलकम, आप आएँ और एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं और अपनी प्रोफाइल बनाएं। तो उसका जो हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हम डिटेल डाल के अपना ये स्कोर चेक करेंगे CRS, उसकी एक कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चलते हैं और मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो सब प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे हम डाटा उसके अंदर पुट करेंगे और बाद में हमें वो स्कोर जो देगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके अलावा फिर उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं और डिटेल के अंदर जो जो वो चीज़ें पूछेगा या जो रिक्वायरमेंट करेगा हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइल्स चाहिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एप्लीकेंट। प्राइमरी वो होगा जो पहला एप्लीकेंट है और सेकेंडरी जो होगा यानी कि आपकी स्पाउस हो सकती हैं। ठीक है, नंबर वन पर रिक्वायरमेंट है आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, आपको आइल्स चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 points हैं। ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी कि आपकी जो एजुकेशन है, बैचलर्स है, मास्टर्स है या PhD की हुई आपने, वो कैनेडियन एजुकेशन के साथ उसका लेवल क्या है, उसकी एक रिपोर्ट मिलती है, उसको ECA कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 3 years का है, 5 years का है, 7 years का है, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसके ऊपर हमें ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंड्स की एक स्पेशल डिटेल्स है, अगर एक फैमिली मेम्बर एक एप्लीकेंट है सिर्फ तो उसके लिए अलग है, अगर 2 applicants हैं मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, उनके लिए अलग है, अगर उनके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए अलग है। तो वो हम वो चार्ट से देख के उसकी रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल कर सकते हैं। फिर हमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और एप्लीकेशन की फ़ीस। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एक स्पेशल कैनेडियन फॉर्मेट के ऊपर, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर ये फुलफिल करते हों तो फिर हम अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट। तो वेबसाइट मैं आपको जो इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो इसका सॉरी लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा। और अभी हम चलते हैं इसके ऊपर अपना लिंक के ऊपर जहाँ हम जाके अपना CRS स्कोर जो है चेक करते हैं कि क्या बनता है और उसको कैसे फिल करेंगे, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेन वेबसाइट के ऊपर, और अभी हम चलते हैं और ये चेक करते हैं अपना CRS स्कोर। ये देखें, यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है कि हमारे बेसिक स्किल्स के बारे में पूछेगा, एजुकेशन के बारे में पूछेगा, लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में पूछेगा, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा और अदर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा और आसान सा है, एक दो स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे मैरिड। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो स्पाउस है वो कैनेडियन नेशनल तो नहीं है या कैनेडियन रेजिडेंट तो नहीं है, जी नहीं है। फिर वो पूछ रहा है जी आपका जो स्पाउस है, पार्टनर जो है वो आपके साथ कैनेडा आएगा, तो ऑफकोर्स यस। फिर वो पूछ रहा है कि आप कितने साल के हैं, आपकी एज क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बता चलूँ कि जो आपकी एग्जैक्ट एज है या जो आपके फैक्टर्स हैं आपने वही लिखने हैं,
गलत नहीं करने, यानी कि एक्सपेक्टेड आप थोड़ी सी रिसर्च करके अपने जो आपका केस है, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, काफ़ी इमिग्रेंट्स पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश से जा चुके हैं, तो वो वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ईज़िली हमें वो क्राइटेरिया सारा मिल जाता है और हमें अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई करने से पहले पता होता है कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है, हमारा प्रोसेस क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं। ओके, तो एज है, इसके बाद आके आ जी व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये देखें इसी एक का यही मतलब है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी कि वो कैनेडियन डिप्लोमा और जो क्या नाम है कैनेडियन जो एक लेवल एजुकेशन का, उसके साथ उस पर क्या आपकी जो डिग्री है मैच करती होम कंट्री की, तो हमने सिलेक्ट करना है। मैंने बैचलर्स किया हुआ है और मुझे बैचलर्स ही अवार्ड हुई है, तो मैं बैचलर्स ही लिखूंगा। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने कोई कैनेडियन डिग्री तो नहीं हासिल की, कैनेडियन डिप्लोमा हासिल किया हो, या आपने ब्रिटिश या जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, वो मैंने कुछ नहीं किया हुआ तो मैंने नो करूँगा। फिर ये आ गया हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जी, यस यहाँ पे देखें चार ऑप्शंस हैं, बेसिकली पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं वो लोग आइल्स ही करते हैं, तो हम लोग आइल्स पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका वो स्कोर होगा, जो भी आपका यहाँ पर आया होगा वो आप फिल करेंगे, तो नेक्स्ट चलते जाएंगे। आइल्स के एक बात बता चलूँ आपको, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए 6 in each जो है आपका चाहिए, 6 overall चाहिए आपको, और 6 in each मेडिकल में चाहिए, स्पीकिंग में भी आपको 6 चाहिए, राइटिंग में भी आपको 6 चाहिए, रीडिंग में भी 6 चाहिए और स्पीकिंग में भी 6 चाहिए, तो ये आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो उसके आपको 6 points मिलेंगे। अनदर लैंग्वेज का पूछ रहा था, नॉट एप्लीकेबल करेंगे हम लोग, तो जी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि जी हमारे पास इनसाइड कनाडा जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है हमारा नहीं है, हम कनाडा तो अभी गए नहीं भाई। फिर वो आपको बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि जो है हमें लास्ट 10 years के अंदर आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, जी हमारे पास मोर देन 5 years है या 10 years है, तो हम 3 or more years पर क्लिक करेंगे। कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर कम से कम आपके पास ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 years के जो एक्सपीरियंस है आप उस पर कोट कर सकते हैं और उसके आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। तो फिर उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं जी कि डू यू हैव अ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस टेरिटरी और अ फेडरल बॉडी, नो, किसी कैनेडियन किसी इमिग्रेशन जो बॉडीज़ हैं या कोई प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर से हमें कोई जो है कोई इन्विटेशन या कोई चीज़ ऐसी मिली तो नहीं है। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर, नो, यानी कि हर बंदे का हर एप्लीकेंट का एक अलग सिनेरियो है, अलग क्राइटेरिया है जिसकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा अपने हिसाब से, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको वही पुट करनी है। फिर वो दोबारा पूछ रहा, डू यू हैव अ नॉमिनी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, नो। फिर वो पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, मेरा कोई भाई या मेरी मिसेज का भाई या कोई ऐसा क्लोज फैमिली मेम्बर जो ब्लड रिलेशन है जो वहाँ पर कनाडा में रह रहा है या जिसके साथ हमारा कोई रिलेटिव्स है वहाँ पर, फर्स्ट ब्लड की बात हो रही है या सेकंड ब्लड की कह लें, तो नहीं है जी। देखिए यहाँ पर हम आपसे वो पूछ रहा है कि मेरा या मेरी वाइफ का कोई बहन भाई कनाडा में रह रहा है या पेरेंट्स, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। अच्छा जी, ये भी स्पाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कमोला पार्टनर हैज अर्नड, हम वो लिखेंगे जो भी है उनकी वो लिखेंगे। देखिए इनसाइड कनाडा पूछ रहा है तो नो, आई टेस्ट के बारे में पूछ रहा है पाउच के, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। मैं बस एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, ठीक है, हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर वो आ गया कैलकुलेट योर स्कोर, हम क्लिक करेंगे
ये जी हमारा टोटल स्कोर आ गया है। और राइट, ये देखें जो मैंने एक लमसम जो इसके अंदर एजुकेशन या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे जो स्कोर से वो पुट किए, तो मेरा जो CRS स्कोर जो आया है वो 331 आया है। ठीक है, और ये देखें बता रहा है टोटल जो हमारे इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 500 से होते हैं, सॉरी 1000 में से आते हैं ये। ओके जी, ये देखिए हमारा जो रिज़ल्ट आया है जो मैंने इन्फॉर्मेशन पोर्ट की उसके हिसाब से 331, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। जो आजकल कट ऑफ चल रहा है, जो नॉर्मल चल रहा है लास्ट जो हुआ है क्योंकि कोविड पैनडेमिक की वजह से जो FSWF फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम उसके कुछ ड्रॉज जो हैं होल्ड हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो लास्ट का कट ऑफ था 465 और 470 के दरमियान में था, तो हमारे 331 है जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो वो जॉब स्किल या जो ट्रेड है वो वहाँ पर इन डिमांड हो और आपको क्विकली जो है इनविटेशन आ जाए, IT आ जाए, इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए और आप अप्लाई करके कैनेडियन इमिग्रेशन की PR के लिए एलिजिबल हों। तो ओके जी, अपना CRS स्कोर चेक करने के बाद हमें जो है देखेंगे हम क्या स्कोर बनता है। उस स्कोर के बाद हमें सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए होंगी, नंबर वन पे IELTS और ECA रिपोर्ट। इन दोनों के बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना सकते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनने के बाद हमारे तमाम अगले प्रोसीजर जो हैं वो स्टार्ट होंगे। हमें उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखना है, लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट सबमिशन ही करने, लेकिन इनकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स या रेफरेंस नंबर्स होंगे वो हमें पुट करने होंगे अपनी एक्सपीरियंस एंट्री की प्रोफाइल के अंदर। तो जर रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिक्वायर्ड फंड, पुलिस सेलेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, FRC एंड मैरिज सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फ़ी, ये जो हमें तब सबमिशन करनी है जब हमें IT आएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई आएगा, और उसके अंदर हमें 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि ये जो 5-4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें इनके एक प्रॉपर प्रूफ के साथ सबमिशन करना है स्कैन, और जहाँ जहाँ से इदारों से हम लोग लेंगे इनको उसके बाद हम इनको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद हम इनको ऑनलाइन जो है अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। काइंडली सीरीज़ को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम तमाम प्रोसीजर आगे इसमें डिस्कस करेंगे, आर्ट्स के बारे में भी, फॉर्मेट्स के बारे में भी, ECA बॉडीज़ के बारे में भी, जितने भी प्रोसीजर्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम इसके बारे में सब स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।